हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की कट ऑफ बताऊंगा। उसमें भी इस वीडियो में मैं आपको एएमपी पंचवटी नासिक की कट ऑफ बताऊंगा, आयुर्वेदिक महाविद्यालय पंचवटी नासिक की कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कॉलेज अच्छा कॉलेज है, मतलब अगर बोले तो अच्छा कॉलेज है बीएमएस का महाराष्ट्र में, ठीक है। और साथ में मैं आपको इस साल कैटेगरी वाइज बीएमएस का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स वो कितना बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में टोटल 22 गवर्नमेंट के बीएमएस कॉलेजेस है, जिनमें से ऑलरेडी मैंने 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ बता दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ में मैंने मुंबई, पुणे, नागपुर के जो प्राइवेट बीएमएस के कॉलेजेस है उनकी कट ऑफ और उनका फीस स्ट्रक्चर भी मैंने बताया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपको ऐसी सारा कट ऑफ और साथ में जो भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट है, प्रोसेस है, वो आपको पता चलते रहे टाइम टू टाइम। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस साल महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस है उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो अगर आप देखोगे तो पिछले साल 400 मार्क्स और इस साल 400 मार्क्स, इस सेम पर्टिकुलर मार्क्स पे लगभग 50 से 55,000 रैंक का डिफरेंस है। इससे पता चलता है कि इस साल कट ऑफ काफी हाई रहने वाली है। तो अगर आप ओपन से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं, वीजेए से हैं, एनटीबी से हैं, एनटीसी से हैं, एनटीडी से हैं, तो इन सारे कैटेगरीज में मार्क्स जो होगा 30 से 35 मार्क्स कट ऑफ हाई रहेगा। अगर आप एससी से हैं तो कट ऑफ 35 से 40 मार्क्स हाई रहेगा, और अगर आप एसटी से हैं तो कट ऑफ 45 से 50 मार्क्स तक भी हाई हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस कॉलेज का, एएमपी पंचवटी नासिक का लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा है। सबसे पहले तो ये डेटा जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया। आप इसको mahacity.org पे नीट यूजी कट ऑफ 2020 लिस्ट डाउनलोड कीजिए 2022 का, और उसमें आप ये फर्स्ट एंड लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है, बीएमएस गवर्नमेंट बीएमएस पे जाके। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा, सर इस कॉलेज का कट ऑफ हमें सब तो सही दिख रहा है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, बट ओपन में 326 मार्क्स, ये बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। पहली बात ऐसा है कि पिछले साल क्या हुआ, मॉपअप के बाद, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मॉपअप के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी था, तो कैसा था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी किसी किसी कैंडिडेट को उसने प्रिफरेंस दिया था, वो वहां तक उन गया था, उसने पार्टिसिपेट किया था, तो किसी किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट बीएमएस लग गया था, ठीक है। तो लास्ट टाइम ओपन में ये कॉलेज 326 मार्क्स तक लगा था, लेकिन ये 326 मार्क्स स्ट्रे वैकेंसी का है, ठीक है। ओवरऑल इस कॉलेज का कट ऑफ हाई रहता है। ईडब्ल्यूएस में देखे तो 463 मार्क्स तक ये कॉलेज मिला था, ओबीसी में देखे तो 454 मार्क्स तक ये कॉलेज मिला था, एससी में देखे तो 401 मार्क्स तक ये कॉलेज मिला है, एसटी में देखे तो 238 मार्क्स तक ये कॉलेज लगा था, और वीजेए में देखे तो 461 मार्क्स तक के कॉलेज लगाए, एनटीबी में देखे तो 440 मार्क्स तक के कॉलेज लगाए, एनटीसी में देखे तो 453 तक के कॉलेज लगाए, और एनटीडी में देखे तो 490 मार्क्स तक के कॉलेज लगाए, ठीक है। ओवरऑल देखे तो इस कॉलेज का कट ऑफ हाई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज एएमपी पंचवटी नासिक का कट ऑफ बता दिया लास्ट ईयर का। आप रैंक देख के भी उससे कंपेयर कर सकते हैं, आप अपने रैंक से इस साल भी अंदाजा लगा के इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। साथ में मैंने आपको कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बीएमएस की कट ऑफ कितनी हाई रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।